सर्दियों के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए उनकी मूर्तियों को कंबल और रजाई में लपेटा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं मंदिरों में तो भगवान के अंदर प्राण अपना भी आ जाते हैं उन मूर्तियों पे, तो उन्हें भी गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों को ठंड लग रही है, आप देखते हैं कि कोहरा पड़ रहा है, इसी हिसाब से भगवान को भी ठंड लगती है, गर्म वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। हर किसी से मेरा तो यही कहना है कि जिनके भी घर गली मोहल्लों में शहर के अंदर मंदिर है उनमें गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए उन्हें भगवान। मंदिर से जुड़े लोग सर्द मौसम में भगवान की मूर्तियों को ऊनी कपड़े पहनाने के अलावा उन्हें खिचड़ी और दलिया जैसी चीजों का भोग लगाते हैं। माना जाता है कि इससे उनके अंदर गर्माहट बनाए रखने में मदद मिलती है। बर्फबारी हो रही है और यहाँ तराई में भी बहुत ज्यादा ठंड है, तो जो भगवान प्राण प्रतिष्ठित जो प्राणों के संचार हम मानते हैं भगवान में, तो हम मौसम के हिसाब से भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ठंड है तो गर्म वस्त्र भगवान जी को पहनाए गए हैं, माता को सोल वगैरह और सभी गर्म वस्त्र हम बनवाते हैं और गर्म ही भोजन का हम भोग लगाते हैं। मान्यता है कि जिस दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस दिन से मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं, ऐसे में मूर्ति को भी आम इंसान की तरह भूख प्यास और सर्दी गर्मी लगेगी, इसलिए भगवान की मूर्तियों को भोग लगाया जाता है और सर्दी शुरू होते ही ऊनी कपड़े भी पहनाए जाते हैं।